हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी वीडियो में। तो वीडियो शूट करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, तो आज अभी वैसे तो मैं काफ़ी बिज़ी थी, पर मैंने सोचा पहले वीडियो क्यों ना बनाई जाए, क्योंकि आज आप सभी को पता ही होगा कि एक निशु देशवाल, उनकी डेथ हो गई है। तो काफ़ी अच्छे स्टंटर हैं, वो ट्रैक्टर पे स्टंट करते हैं और मोस्टली जॉन डियर ट्रैक्टर रखते हैं। तो उनकी मौत हो गई, मैंने कुछ ही टाइम पहले उनकी वीडियो देखना शुरू की थी। मैं खुद से तो नहीं देखती थी, लेकिन मेरा बेटा, मेरे भाई ये देखते थे, तो उनको देख देख के जैसे मैं भी जुड़ने लगी थी उसके साथ, उसकी वीडियो देख देख के। तो था तो मतलब मुझे तो पता भी नहीं था पहले कि उसकी शादी भी हो रखी है, बच्चा सा ही लगता था, छोटा सा ही। अब मुझे पता लगा उसकी शादी भी हो रखी थी। तो देखो कितना दुख होता है ऐसे कि हम अपनी जान का ऐसे जानबूझकर जोखिम में डालते हैं। वैसे तो उनका प्रोफेशन बन चुका था, किसी का प्रोफेशन कुछ भी बन सकता है। तो स्टंट वो काफ़ी अच्छे कर लेते थे, मैंने उनके स्टंट देखे हुए हैं, तो बहुत खतरनाक खतरनाक स्टंट करते हैं। देखो अगर मेरे कोई रिलेटिव है, मेरे कोई खास हैं, पास के हैं, नज़दीकी हैं कोई, तो मैं उनको ये काम करने के लिए कभी ना बोलूँ। मैं उनको ये काम करने से मना ही करूँगी कि मत किया करो, बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मतलब ऐसे हर रोज़ मौत के मुंह में जाके आना, इतने खतरनाक स्टंट होते हैं उनके। तो अभी वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो पानीपत से ही बिलोंग करते थे, मैं भी पानीपत से ही बिलोंग करती हूँ। पानीपत के एक गाँव में, कुराड़ गाँव है, उसमें रहते थे वो, वहाँ के रहने वाले थे। तो मैं भी पानीपत से ही हूँ वैसे, पानीपत के गांव से। तो थोड़ा ये अपनापन सा भी लगता है, थोड़ा भाईचारा सा। तो मेरा बेटा भी वो उसकी वीडियोस काफ़ी खुश होके देखता है, क्योंकि उसके पास जॉन डियर ट्रैक्टर है ना, और हमारे घर में भी जॉन डियर ट्रैक्टर है, त्यांश के पापा, त्यांश के दादा का। तो वो इस करके भी ज़्यादा देखता था क्योंकि उसे ये जॉन डियर ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उसको लगता है दादू का ट्रैक्टर आ गया, दादू का ट्रैक्टर आ गया, और उससे फिर वो स्टंटबाजी करना उसको और भी अच्छा लगता था। तो मेरा बेटा भी खुश होकर देखता था उसके स्टंट्स। मेरी सबसे यही गुजारिश है, मेरे को कल भाई का फ़ोन आया था, उसने बताया था ये कि ऐसे ऐसे उसकी मौत हो गई। मैंने कुछ टाइम पहले उसकी वीडियो देखनी स्टार्ट की थी, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे हो गया, तो भाई ने बताया मेरे को। तो मैं पूरा दिन सोचती रही, देखो उसका परिवार बेचारा, अभी तो उसकी फैमिली देखो, शादी भी अभी हुई थी, उसकी वाइफ भी है, कितना मुश्किल हुआ होगा उन सभी के लिए। ऐसा लगता है क्योंकि मैं ना, जो भी सिचुएशन होती, सामने वाले की सिचुएशन होती है ना, वो खुद से ही रिलेट करके देखती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दुख हुआ। मैं पूरा दिन सोचती रही इस बारे में कि उनकी फैमिली में क्या चल रहा होगा। देखो ऐसे तो मत किया करो ऐसे ऐसे स्टंट जिसमें जान पे बनाए। अब पब्लिक हमारे व्यूअर्स हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग ये कर लेते हैं, लेकिन उसे हमारी जान पे बनाती है, प्लीज़ ऐसे स्टंट मत किया करो। तो वैसे तो वो ऐसे ऐसे स्टंट हर रोज़ करते थे, पता नहीं तो उनके ट्रैक्टर ने धोखा दिया, उन्होंने उस टाइम उनके पास ट्रैक्टर दूसरा था। अब मोस्टली तो उनके पास जॉन डियर ट्रैक्टर ही रहता था, आई थिंक उनके पास उस दिन स्वराज था, कौन सा ट्रैक्टर था, लेकिन दूसरा ट्रैक्टर था उनके पास, शायद हो सकता है कि उस ट्रैक्टर ने ना साथ दिया हो। तो देखो दुर्घटना कभी भी किसी के साथ कभी भी हो सकती है, तो हमें सावधानी रहना चाहिए। वैसे सावधानी में भी पता नहीं लगता किसके साथ कब क्या हो जाए, दुर्घटना होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जितना टाइम पलक झपकाने में लगता है ना, इतना टाइम दुर्घटना होने में लगता है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, और ऐसे ऐसे स्टंट से प्लीज़ दूर रहे जिनमें ऐसे जान पे बनाती है। तो मुझे बहुत दुख है उसकी मौत का, निशु देशवाल की, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अपने बेटे की भी दिखाऊंगी, उसकी वीडियो देखता है वो काफ़ी ज़्यादा। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे ऐसे स्टंट से अपने बच्चों को दूर ही रखें, क्योंकि यंग जनरेशन इस चीज़ के पीछे बहुत भागती है कि लड़कियां भी देखना पसंद करती हैं मोस्टली, जो स्टंट करते हैं बाइक से भी और ट्रैक्टर वगैरह से भी। तो ऐसे ऐसे शौक मत पालिए जिनमें जान पे बनाती है, ध्यान रखिए इस बात का। अभी बेटे को दिखाऊंगी मैं आप सभी को,
वो भी बहुत खुश होकर उसकी वीडियो देखता है ट्रैक्टर की, तो दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि जल्दी वीडियो बनाने का, कि देखो ऐसे काम मत करो भाई, जिन पे जान पे बनाती है। अब उसकी फैमिली, वो तो चला गया, अब उसकी फैमिली बेचारी अब हर रोज यही खुद को कोसेगी कि काश हमने उसको स्टंट करने से रोका होता। तो अगर वो स्टंट करने भी लग गया था, मान लो उसका प्रोफेशन भी बन गया है, तो प्रोफेशन में भी हमें ध्यान से करने चाहिए सारे काम। तो मैंने जैसे उसके स्टंट देखे हैं, वो स्टंट को ऐसे करता था जैसे भाई कुछ नहीं होता, भाई कुछ नहीं होता, आने दे आने दे, करने दे करने दे। तो भाई करने होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो भी मार खा जाते हैं कई बार। तो इस धोखे में आप कोई भी जो और भी स्टंट करते हैं, वो कोई भी ना रहे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी हो सकता है भाई। प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे। लास्ट में भाई यही कहूंगी, देखो अब तो उसके परिवार को सहारा देने वाले अभी तो बहुत होंगे, लेकिन बाद में जैसे धीरे धीरे अकेले ही उनको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, तो भगवान उनको हिम्मत दे कि ताकि वो इस सिचुएशन से निकल सके, और भगवान निशु देसवाल की आत्मा को शांति दे। आप लोग भी ध्यान रखें अपना और अपने बच्चों का, जो स्टंट करते हैं भाई थोड़ा प्रोटेक्शन भी यूज़ करें। स्टंट बहुत सारे लोग ऐसे भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जैसे निशु देशवाल कर लेता था। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, थोड़ा प्रोटेक्शन भी लेनी चाहिए स्टंट करते हुए।